गुरुदेव भगवान श्री जगदीश गोपाल जी के चरणों में नमन, मेरे माता पिता के श्री चरणों में नमन, बाबा रामदेव जी के श्री चरणों में नमन। मंच पर विराजमान एक नन्ना सा भगवान रूपी बालक सुरेश भाई और उनकी सारी टीम यहाँ पर पधारे हुए सभी मेरे युवा साथी, बड़े बुजुर्ग एवं मेरी मातृशक्ति के हृदय में विराजमान उस साक्षात परिपूर्ण परमात्मा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन, अभिनंदन। और इस प्रोग्राम को हैंडलिंग करने वाले को या दिन रात एक महीने से मेहनत करके आज आप सभी लोगों को बुलाना, मुझे सुरेश भाई को बुलाना, यानी कि उस उन व्यक्तियों ने समय पे खाना खाया होगा नहीं खाया होगा पता नहीं, निस्वार्थ, जिनका कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसी इस बाबा रामदेव मंडली को, बाबा रामदेव राजस्थान कुछ उनका नाम मित्र मंडल, पूरी टीम, प्रेम सिंह सहित पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद कि आप सभी लोगों को एकत्रित करने में दिन रात एक किया। इतना ही नहीं बल्कि आपके हैदराबाद में एक विशाल रैली का आयोजन भी किया, जो पहली बार इन्होंने पहली बार करा है ना, शायद प्रेम सिंह जी ने पहली बार करा है, प्रेम सिंह जी ने पहली बार ऑर्गेनाइजेशन किया जहां तक मेरी, जहां तक मुझे जानकारी है, बाकी पता नहीं। और मुझे यकीनन विश्वास है कि एक रैली एक दिन रामनवमी का जुलूस बनेगा, ये बाबा रामदेव की रैली एक दिन हैदराबाद का रामनवमी का जुलूस बनेगा। मुझे इस मंच पे आने से पहले और पिछले तीन दिनों से कुछ लोगों ने इतना ठूसा है कि आज इस बाबा रामदेव के भजन में कुछ आप ऐसी बात मत करना जिससे किसी को तकलीफ हो जाए। मैं हमेशा मेरे भड़काऊ भाषण आप लोग सुनते रहते हो, मगर मैं इस मंच पे ऐसी बात नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ लोगों की कदर करना, उन लोगों की इज्जत का ख्याल रखना, उन लोगों की बात का मान सम्मान करना, ये भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मगर भाइयों और बहनों, जो बात मैं कहने आया हूं वो कहकर ही जाऊंगा। देखिए, आज इस देश की हालत में देख रहा हूं कुछ लोग राजनीति के चट्टू बट्टू अपनी राजनीति का पापड़ सेकने के लिए, एक दूसरे को गिराने के लिए किस हद तक जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। मित्रों, सिर्फ अपनी राजनीति के कारण एक दूसरे को हिंदू गिराने में लगे हुए हैं। ये हमारे समाज में एकता नहीं है, इसलिए इस समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है। हम लोगों को कमजोर करने की बात करता है कोई व्यक्ति और हम ताली बजाएं। मित्रों, ये हमें शोभा नहीं देता। हिंदू एक शेर है, शेर था और शेर रहेगा। मित्रों, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग सब यहां पर व्यवसाय करने, पैसे कमाने आए हो, इस बात से इनकार नहीं करता मैं, मगर ये सब कब रहेगा? जब आपका धर्म अटल रहेगा, आपका धर्म सुरक्षित रहेगा, तभी आपका बिजनेस सुरक्षित रहेगा, वरना दैट इम्पॉसिबल। प्रमाण है मेरे पास, बांग्लादेश, कश्मीर जैसे बहुत सारे प्रमाण है। वो लोग भी कभी ऐसे ही सोचा करते थे, ऐसे कुछ लोग उनको भी कमजोर कर किया करता था। आज उन लोगों की स्थिति बहुत गंभीर है, दिल्ली की सड़कों के ऊपर मूंगफली बेच रहे हैं। इसलिए बात जब धर्म की आए, बात अपने आन बान और शान की आए, तो किसी भी ऐसे दोगले नेता की बात नहीं सुननी चाहिए जो हमें कमजोर करने की बात करता है। मैं किसी का व्यक्तिवाद विरोध नहीं करता हूं, मगर मुझे तकलीफ हुई कि कुछ लोग, जिन व्यक्तियों ने धर्म के लिए अपने जान कुर्बान कर दी, अपनी आन बान शान सब लगा दी, जिन व्यक्तियों ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए दिन रात एक करके उस धर्म को बचाया है, उन व्यक्तियों को, धर्म के ठेकेदार कहने वालों को मैं कह रहा हूं कि उन लोगों को शर्म आनी चाहिए, ऐसी बात करने से पहले सात बार सोचना चाहिए। बात राजनीति की,
कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति करने के लिए आते हैं लोग। मैंने अटल संकल्प लिया है, पिछले 12 साल हो गया, और आज मैं कसम खाता हूं कि मैं मेरे जीवन में कभी राजनीति में नहीं जाऊंगा। मेरा लक्ष्य मात्र मेरी गौ माता को बचाना है, मेरे हिंदू धर्म की रक्षा करना है। राजनीति में जाता होता तो अभी तक तो कई सांसद बनके कब का बैठ गया होता। पिछले 12 सालों से नजर कितनी पार्टियां चक्कर लगा के चली गई है। मित्रों, इस देश के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं, उन लोगों की बातों में कभी मत आना। वो सिर्फ और सिर्फ आपका हमदर्दी बनके आपको कमजोर करने की बात करता है। आज देश की स्थिति क्या है? मित्रों, मैं दो उदाहरण दे रहा हूं आपको, जरा सोचना समझना। 10 साल जो व्यक्ति जेल में रहने के बावजूद भी, एक व्यक्ति 10 साल जेल में रहने के बावजूद भी उसके अंदर आज भी देशभक्ति जिंदा है, वो है कर्नल पुरोहित। और एक व्यक्ति देश का गद्दार जिसने 10 साल तक दिल्ली की सीट पर बैठा उपराष्ट्रपति के पद पर, वो व्यक्ति के भावने की भावना आप लोगों ने सबने उसका बयान सुना होगा। उस व्यक्ति ने क्या बयान दिया सीट से निकलने के बाद? जिस व्यक्ति ने, जिस उपराष्ट्रपति जिसको हमने उपराष्ट्रपति सुना, उस व्यक्ति को जिस दिन सीट से उतारा उसने तुरंत अपनी औकात दिखा दी। यह है असलियत। मैं हिंदुस्तान में सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, मैं किसी धर्म की जाति की बात नहीं करूंगा, मगर मेरे साथियों, इस देश में अगर मेरी मां कटेगी तो इस देश में कसाई भी कटेगा, यह निश्चित है। इस देश में अगर गौ माता कटेगी तो इस देश के अंदर कसाई भी कटेगा, यह भी निश्चित है। इस देश के अंदर कुछ ऐसे दोगले लोग बैठे हैं। इस देश की, आज भी देश की संसद में, दिल्ली की संसद में ऐसे दोगले लोग बैठे हैं, नरेश अग्रवाल जैसे, जो हमारे भगवान राम माता सीता को सब कुछ अनशन बोलते रहते हैं, भगवान विष्णु को कहीं बता देते हैं, राम को कहीं बता देते हैं। उन लोगों के मुंह पर अब हमें तमाशा मारना है। हम हिंदुत्व को एकजुट होना है, हमें अपने जातिवाद छोड़ना है। मैं आपको यकीनन विश्वास दिलाता हूं मेरे भाई बहनों, कि जिस दिन हम हिंदुओं ने अपनी एकता का प्रमाण दे दिया, ये भारत पुनः सोने की चिड़िया कहलाएगा। देश के अंदर बैठे हुए गद्दार तो छोड़ो मेरे साथियों, पाकिस्तान जैसे कुछ गद्दार मुल्क भी भारत की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। हम लोगों ने जातिवाद में आपस में बट गए हैं, अपने धर्म को छोड़ दिया है, बाकी जितने भी धर्म वाले हैं सब अपने धर्म पर अटल रहते हैं। मुसलमान नमाज पढ़ता है, अच्छी बात है, ईसाई लोग चर्च में जाता है, अच्छी बात है, सिख लोग गुरुद्वारे में जाता है, अच्छी बात है, कितने हिंदू है जो रोज मंदिर में जाते हैं, कितने हिंदू है जो रोज पूजा करने जाते हैं। बताओ, यह है भारत की स्थिति, यह है हिंदुस्तान की स्थिति। जरा सोचने की बात है कि हम कहां जा रहे हैं, हमारे पूर्वज कौन थे, हम किनकी संतानें हैं? अरे हम तो मर्दों की संतानें हैं। हमारे पूर्वजों ने, कुछ मुगलों ने एक समय में इस देश के अंदर, मुगलों ने मार मार के लोगों को धर्म परिवर्तन करवाया, मगर आज जितने भी यहां पर हिंदू बैठे सब मर्दों की औलादे, हमारे पूर्वज सब मर्द थे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हार नहीं मानी, धर्म परिवर्तन नहीं किया। हमारे पूर्वज अपने धर्म पे अटल रहे, बल्कि मुगलों के लाख अत्याचार के बाद भी हमारे पूर्वजों ने अपने धर्म पे अटल रहे, वो आज भी अटल है, हम उनकी संतानें हैं। इसलिए हमें धर्म की रक्षा के लिए हमेशा आगे आना है। और विशेष बात, इस देश की जड़ गौ माता है,
जब तक इस देश के अंदर गौ माता जिंदा है, आज ये बात नोट कर लेना, आपके सामने एक गौ माता का सैनिक आपको कहने आया है। पूर्व में भी मैं बहुत कुछ बात कह के गया हूं, भले इधर उधर बहुत कुत्ते भौंकते हैं, कुत्तों के भौंकने से कुछ नहीं होता। मैं कह रहा हूं कि इस देश में जब तक देसी गौ माता जी सुरक्षित हैं, तब तक हम हिंदू सब सुरक्षित हैं, वरना एक भी हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा। हमें सबसे पहले अपनी मां को बचाना है, अपनी गौ माता को, अपनी बहन बेटियों को, अपने धर्म को। जिसका धर्म खत्म हो गया वो व्यक्ति कभी जीवन में नहीं बच सकता, आगे नहीं जा सकता। मेरे साथियों, मेरे भाई और बहनों, मेरे पास समय बहुत कम है और मंच की मर्यादा भी रखनी है, और मुझे पाबंद भी करके रखा है कि मेरे अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं बोल नहीं पा रहा हूं, छाकर भी नहीं बोल पा रहा हूं। मगर जिंदगी में फिर कभी मौका मिला तो इसी हैदराबाद की धरा पर आकर उन कुत्तों को जरूर जवाब दूंगा जिनको मैं देना चाहता हूं। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा और अंत में एक चीज कहूंगा कि हमने तो घर बार छोड़ के इस धर्म की लड़ाई में लड़ने के लिए निकल गए हैं। आप लोगों की मुझे जरूरत है, मेरे हिंदू भाई बहनों की जरूरत है, इस देश को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, गौ माता को बचाने के लिए। आप लोगों से निवेदन है कि तन मन धन से आगे आए, धर्म की रक्षा में कहीं न कहीं योगदान दें आपका। जब आप इस दुनिया में आए थे तो आप रो रहे थे, दुनिया हंस रही थी, मगर काम कुछ ऐसा करके जाओ मेरे साथियों कि आप हंसो जब आप जाओ, जब आप हंसो और दुनिया रोए। अपनी जिंदगी तो हर कोई जीता है, अरे जीना है तो मर्दों की जिंदगी जियो, कुत्तों की जिंदगी जीने से, बुद्धिलों की जिंदगी जीने से कोई मतलब नहीं। हिजड़ों की जिंदगी मत जियो, मर्दों की जिंदगी जियो। अपनी आन बान और शान के लिए जो कुछ करना है कर सकते हो आप। अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे पुरुषों ने, हमारे भगवानों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, किसी ने हाथ जोड़ के राज नहीं लिया, किसी ने उपवास करने की सलाह नहीं दी। हमारे परशुराम ने कभी उपवास करने की बात नहीं की। जब भी धर्म पे संकट आए, अपने ऊपर संकट आए, तो हमें हथियार उठाना पड़ेगा, हथियार से जवाब देना पड़ेगा। वरना ये 20-20, 50-50 हजार का मोबाइल है, इसके अंदर वीडियो ले लेके व्हाट्सएप पर डालते रहना। फिर आज यहां पर 10 हिंदू को मारा, आज हमारी बहन का वो हो गया, लव जिहाद हो गया, आज गाय कट की, एक्स वाई जेड, एनीथिंग। मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा और अंत में एक बात कहूंगा कि साथियों, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, वरना हिंदू है हरिद्वार में जरूर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, इंकलाब। क्या जिंदाबाद, नारे भी नहीं लगा रहे, आप लोगों की आवाज नहीं निकल रही, आप क्या दुश्मनों को जवाब दोगे? हैं जिंदाबाद, इंकलाब, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम। एक गौ माता का गाना गाऊंगा मैं, एक गौ माता का भजन गाऊंगा, एक गौ माता का भजन में आप सभी लोग मेरा साथ देना। ज्यादा भजन गाना वाना आता नहीं है, मगर अभी 2-3 प्रोग्राम से इच्छा होने लगी है कि मैं भी कुछ गाऊंगा। लोग कहते हैं आप खाली मारने काटने की बात ही करते हो, तो कहीं कहीं प्यार